निमकी मुखिया में आज हो रहा है नया हंगामा। वो क्या है कि तेतर सिंह गए थे सम्मान समारोह में, लेकिन जब तेतर सिंह घर वापस लौटे तो तेतर सिंह के मिजाज थोड़े बदले बदले से लगे। तेतर सिंह के सम्मान समारोह में नहर सिंह ने कर दी है उनकी जमकर बेइज्जती, और अब बेचारे तेतर सिंह को समझ में नहीं आ रहा है कि घर वालों को वो क्या जवाब दे, क्योंकि घर वाले बड़ी ही बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे कि जब घर के मुखिया तेतर सिंह आएंगे तो उनके गले में होंगी सम्मान की मालाएं। अपने पिता की ये बेइज्जती बब्बू सिंह से बर्दाश्त नहीं हुई। देखिए तो जरा, बब्बू ने तो गुस्से में आकर हाथ से ग्लास ही फेंक दिया। भाई, बब्बू जी का गुस्सा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जब तक नहर सिंह से वो बदला नहीं ले लेंगे तब तक उन्हें चैन की सांस नहीं आएगी। अब नहर सिंह को कैसे सबक सिखाना है और जो अपमान हुआ है उसका बदला कैसे लेना है, ये भी तेतर सिंह को बड़े अच्छे से पता है। तभी तो तेतर सिंह घर का माहौल शांत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आइए बब्बू से ही जानते हैं आज के इस पूरे सीन के बारे में। नहीं, ये सम्मान हुआ, बट वहाँ पे काफी चीजें ऐसी हो गई हैं जो जिस वजह से हमको गुस्सा आया और बहुत ही ज्यादा इज्जत उछाली गई वहाँ पे। हमने एक्चुअली वो पोर्शन अभी शूट नहीं किया है, सीरियसली बोलूं तो हम करने वाले हैं, बट जितना मुझे आइडिया उस स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था तो उसमें ये था कि नहर सिंह वहाँ पे आ जाता है और हमारी बहुत बेइज्जती करता है, तो हम उसके बाद वाला सीन पहले शूट कर रहे हैं, बिकॉज क्या कहते हैं, आज जो थे हमारे कुछ ऐसे सीन्स लगे थे जो हम ऑर्डर में हम नहीं करते हैं शूटिंग, तो बात का सीन हम पहले शूट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने इसमें फिर हमको गुस्सा रखना पड़ा कि हम वहाँ पे हमारी बेइज्जती हुई है और इतना कुछ नहर सिंह ने बोला है कि ये दूसरी पार्टी के हैं, इनको ये सम्मान नहीं मिलना चाहिए, एंड बहुत कुछ बोला उसने वहाँ पे, जिस वजह से हम गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते बिकॉज बहुत लोग होते हैं, इसलिए यहाँ पे आके वो सारा गुस्सा निकाला जाता है, क्योंकि यूजली हमारी फैमिली में देखते हैं फैमिली के अंदर ही आके सब चीजें होती हैं। तो ये बात है, वैसे तो हम यही कहेंगे तेतर सिंह जी कि अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो थोड़ा सब्र रखिए और ठंडे दिमाग से काम कीजिए, लड़ाई झगड़ा करने से आपका बना हुआ काम बिगड़ सकता है।